ये विंध्याचल है, वनों और वनवासियों की धरती। हम उतर रहे हैं गहरे वनों में एक कहानी से रूबरू होने, और हमने इस कहानी का नाम दिया है द टाइगर एंड ट्राइब। ये वन वन्य जीवों से भरपूर है। विंध्य को सफेद बाघों की धरती कहते हैं। विंध्य के वनों में ही मिला था सफेद शेर मोहन। आज दुनिया में जितने भी सफेद बाघ हैं, वो मोहन के ही वंशज हैं। मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी में हम सफेद शेर रघु को पानी में अटखेलियां करते देख रहे हैं। विंध्य के घने जंगल रोमांच जगाते हैं मन में। हम सफर पे हैं, यह जंगल है और यहां का राजा है शेर। शेर के इस कोल घर के लगातार पास आने के कारण इसे यहां से शिफ्ट किया जा रहा है। कोल जनजाति के लोग अपने घर जंगल के करीब ही बनाते हैं। शेरों के कारण ही ये कुछ साल पहले वन के अंदर से निकलकर यहां बसे हैं। इनके घर लकड़ी और मिट्टी से बने होते हैं। पहली बारिश के बाद ये अपने घर का विस्तार कर लेना चाहते हैं। पहली बारिश में खेत हल चलाने के लिए तैयार है, पर बाघ ने इसे अपना इलाका घोषित कर दिया है। खेतों में घास बढ़ाई है और किसान वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। गुनिया बैगा अपनी जादुई प्रयास बांसुरी की सहायता से शेर की हद बांधने का प्रयास कर रहा है। बैगाओं की रहस्यमयी ताकत का लोहा इस पूरे इलाके में माना जाता है। शेर की हद बांधने के इन रहस्यमय स्वरों को हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। शायद बाघ जो गुनिया बैगा के साथ वनों में रहता है, इन स्वरों को समझता और इनके द्वारा प्राप्त आदेश का सम्मान करता होगा। कोल जनजाति के लोग वीर हैं। तलवारबाजी को इन्हीं ने आर्ट फॉर्म में बदल दिया है। बाघ ने गुनिया बैगा का इलाका छोड़ इन खेतों में अपना ठिकाना ढूंढ लिया है, ताकि घरेलू पशुओं का आसानी से शिकार किया जा सके। ये यहां रहने वाली जनजातियों और बाघ के बीच होने वाला संवाद है। लगता है इस युद्ध कौशल का असर बाघ पर हुआ है और उसने आगे जाने का विकल्प चुन लिया है। हमारे बाघ का अगला ठिकाना कमलाबाई का खेत है, जो जंगल से लगा है। शाम के धुंधलके बढ़ने लगे हैं और गांव में भय का माहौल है। इस समस्या के निवारण के लिए कमलाबाई पहुंची है ददोल के पास। ददोल कोल जो इस इलाके का सबसे बड़ा ओझा है, ददोल पर पूरे इलाके के कोल जनजाति के लोगों का विश्वास है। उसके मंत्रों की शक्ति लोगों ने आजमाई हुई है, इसीलिए कमलाबाई आज ददोल के पास आई है। वो चाहती है कि न सिर्फ ददोल उसकी रक्षा और समस्या का समाधान करे, वरन बाघ को अपने वश में करके उसे दूर भेज दे।
शेर को वश में करना और उसकी सवारी करना तो दुर्गा जी या काली देवी जी को ही आता है। ददोल ने आज काली देवी जी का आह्वान किया है कि वो उसके अंग पर आकर उसे शक्ति दे, कि वो बाघ को आदेश दे सके कि वो लोगों को ना सताए और घने वन में लौट जाए। सुबह कोल जनजाति के गांव में दिन सामान्य दिनचर्या के साथ शुरू होता है। कहीं बाड़ी में लगे बैंगन तोड़े जा रहे हैं तो कहीं करेले की सब्जी बनाने की तैयारी है। मुर्गी भी अपने चूजों के साथ निश्चिंत है। कहीं मक्के का आटा बनाने की तैयारी है तो कहीं मछलियों की दावत है। कोल अभी उन्हीं खेतों में हल चला रहे हैं जो जंगल से थोड़ी दूर है। बच्चे नदी में तालाबों में अटखेलियां कर रहे हैं। ददोल के रहते उन्हें भय नहीं है, वो है उनके दोस्त हैं और है उनका प्रिय तालाब। आज दिन भर उनका इसी तरह गुजरने वाला है। महिलाओं का अनाज धोना और सुखाना धूप पर निर्भर है। धूप तेज होगी तो अनाज जल्दी सूखेगा और धूप तेज होगी तो बाघ किसी पेड़ की छांव में सुस्त आएगा। अगले दिन जंगल से लगे डैम में कोल मछली पकड़ रहे हैं। धीरे धीरे दिन चढ़ने लगा। बाघ की हलचल आज शांत है। मछुआ जंगल के समीप अकेले जाने में कोई हिचक महसूस नहीं कर रहा है। कोल जनजाति के पुरुष भोजन बनाने में कुशल होते हैं। उनकी पाक कला से रूबरू होते हुए हमारे अंदर का भी शेफ जाग गया। जंगल में एक सुंदर सी जगह हमने भी अपना बारबेक्यू लगाया। वो मछली बना रहे थे और हमने चिकन बनाना तय किया। मसालों की खुशबू दूर तक फैलने लगी। चिकन लैग के साथ अपने हाथ से बनाए मसालों के साथ बन रहे टिक्के ने भूख बढ़ा दी है। Thank you.
आज की शाम बरसों याद रहेगी। सुबह खबर आई कि बाघ फिर जंगल से निकलकर खेतों में आ गया है। बाघों और इंसानों के टकराव के बहुत करीब आ गए हैं हम। टकराव न इंसानों के लिए अच्छा है, न ही बाघों के लिए। ददोल को अपनी दैवीय शक्तियों पर पूरा भरोसा है। आज कूल जनजाति के इस ओझा ने बाघ को वापस जंगल में भेजने का मन बना लिया है। ददोल के साथ उसकी ताकत पर भरोसा करने वाले अनुयायी हैं, जिनमें महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे सब शामिल हैं। वो जा रहे हैं जंगल की ओर बाघ को आदेश देने। आगे ध्वजा है और साथ ही देवी जी का त्रिशूल। ददोल का इस इलाके में जो सम्मान करते हैं उनमें बाघ भी शामिल है। अनिच्छा से ही सही, पर वो अपने घर लौट रहा है। विंध्य में वनों में बाघों का राज्य है और वनों के किनारे रहने वालों में ददोल की आध्यात्मिक सत्ता कायम है। ये टाइगर और ट्राइब के सह अस्तित्व की कहानी है।